लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए यूपी की जिन 13 सीटों पर मतदान है उसमें हरदोई और मिश्रिक भी शामिल है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां आज सुबह से हरदोई के सीएसएन डिग्री कॉलेज और आईटीआई ग्राउंड से रवाना की जा रही हैं, जो शाम तक अपने अपने मतदेय स्थल तक पहुंचेंगी। पूरे जिले में 2124 पोलिंग सेंटर और 3328 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें कि हरदोई लोकसभा के लिए लगभग 19 लाख और मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र की 3 विधानसभाओं के लिए 11 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हरदोई जनपद में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 30 लाख है, जो कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपना वोट डालेंगे। पोलिंग पार्टी स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता आमिर किरमानी ने। हरदोई में चौथे चरण में 13 मई यानी कल मतदान है, ऐसे में यहां से पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में जुटे हैं, यहां से रवाना हो रहे हैं। कुछ लोगों को मशीनें मिल गई हैं, किसी को कागज़, कोई अपने पेपर्स तैयार कर रहा है, कोई वोटर लिस्ट और जो उनको और जो सामग्री मिली है उनकी छांटबीन कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ड्यूटी कटवाने के चक्कर में भी हैं। कुछ ईवीएम यहाँ अलॉट हो गई हैं और यहाँ से लोग रवाना होने लगे हैं। बाहर बसें खड़ी हैं, उसमें पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम और उसके अलावा सुरक्षाकर्मी, होमगार्ड वगैरह ये सब लोग यहां से थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे। काफ़ी यहां अफरा तफरी की स्थिति है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है तो कहीं किसी को कोई दिक्कत हो रही है और कुछ लोग यहां टहलने भी आए हैं। ये पीछे एक मशीन का नमूना देखें आप, इसमें ईवीएम है और काफ़ी लोग इसको पहले मॉक पोल होगा और उसके बाद वोटिंग की जाएगी। हालांकि यहां काफ़ी अफरा तफरी की स्थिति है और लोग लगातार कुछ हमारे साथी भी यहां मौजूद हैं। और कहां आपकी ड्यूटी, कहां क्या? हमारी बूथ संख्या 367 जूनियर हाईस्कूल छावन कमरा नंबर 1 में ड्यूटी है। इस बार कोई ड्यूटी यहाँ से अफरा तफरी की स्थिति तो नहीं है? नहीं सर, इस समय कोई अफरा तफरी नहीं है। पिछले चुनाव की अपेक्षा माहौल काफ़ी अच्छा दिख रहा है और व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। तो कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने को बोला गया है और सभी इसका पालन भी कर रहे हैं और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से लेकर जिला प्रशासन की भूमिका रहती है। और काफ़ी से हरदोई में इसको जोर शोर से प्रचारित भी किया गया। पिछली बार 60% के आसपास मतदान था, इस बार उम्मीद है कि गर्मी होने के बावजूद मतदाताओं में काफ़ी जोश है। ये तो मतदान के प्रतिशत कल शाम तक आएंगे और फिलहाल यहाँ से पोलिंग पार्टियाँ लगातार भेजी जा रही हैं। सारा समय के लिए हरदोई के आईटीआई ग्राउंड से आमिर किरमानी। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।